थार हाईकोर्ट ने सीटीओ के तबादले पर ताहुक में सानी रोक दिया है। सीटीओ का तबादला ताहुक में सानी लाहौर हाईकोर्ट ने रोक दिया है। आपको बताएं, जस्टिस शाहिद करीम की सीटीओ की तारीफ, आप अच्छा काम कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम का सीटीओ से मुकालमा, मुझे खतरा है कि अब आपका तबादला ना हो जाए, हम ऑर्डर कर देते हैं कि तबादला ना किया जाए ताकि चीज़ें बेहतर हो जाएं। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ जी, सिमन बिल्कुल, इस केस की समाअत जो है वो मंगल के लिए मुलतवी की गई है और अदालत ने इस हवाले से एक तो जो मेयर लाहौर हैं उनको तलब किया है ताकि जो आरजी कट बनाए गए हैं उनको खत्म करने के हवाले से, जो गड़े पड़े हुए हैं मुख्तलिफ जगह पे तमीरात के हवाले से उनको खत्म करने के हवाले से, एक तो मेयर लाहौर को जाती फीस में पेश होने का हुक्म दिया है और साथ ये भी हुक्म दिया है कि जो गाड़ियाँ वानवी के खिलाफ वर्जी करती हैं उनका उनको जुर्माना किया जाए। क्योंकि अदालत में जब केस की समाअत जारी थी तो सीटीओ का ये कहना था कि अमूमन गाड़ियां जो है वनवे की खिलाफ वर्जी करती हैं जिसकी वजह से जो पोल्यूशन भी बढ़ती है, और उन्होंने तजवीज़ दी थी कि इस जुर्माना को बढ़ना चाहिए और सीटीओ की तजवीज़ पे ही अदालत ने 2000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म दिया है। और इस हवाले से अदालत का ये भी कहना था कि एक तो जो गड़े पड़े हुए हैं उनको रोका जाए, उनको ख़त्म किया जाए और साथ साथ उन्होंने तजावजात के खात्मे के लिए भी इकदाम उठाने का हुक्म दिया है। और केस की समाज जो है वो मंगल के लिए मुलतवी कर दी गई है और इस हवाले से आइंदा समाज पे भी जुडिशल वाटर एंड कमीशन जो है उनको अदालत में तजावीज़ और रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका।